द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के इस मंच पर आप सबका स्वागत है। मैं कक्षा सप्तम की हिंदी पुस्तक साइकिल की सवारी अध्याय लेकर आप सबके सामने प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका कि मैंने कहानी का को आधा सुना दिया था पिछले वीडियो में, जो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए मैंने इसे दो भागों में बांटा है और आगे की कहानी मैं अब सुनाती हूँ। साइकिल सवारी के लिए तैयारियां हो चुकी, पुराने कपड़ों को मरम्मती भी हो गई, फर्स्ट एड का डब्बा भी आ गया। अब सवाल था कि साइकिल सिखाएगा कौन। साइकिल सिखाने के लिए गुरुजी की आवश्यकता थी। इसी उधेड़बुन में थे कि तब तक तिवारी जी याद हमके कि चलो भाई हम लोग एक बाजी शतरंज का खेलते हैं। लेकिन अब तो मन लगा था साइकिल चलाने में, तो शतरंज कहाँ से अच्छा लगता। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आज मन नहीं है शतरंज खेलने का, बस नहीं खेलूंगा। क्यों भाई, क्या हो गया, बड़े उदास लग रहे हो। फिर मन की बात उन्होंने बताई कि मेरा मन साइकिल सीखने के लिए कर रहा है। तिवारी जी कहते हैं, क्या तुम भी इस उम्र में साइकिल चलाने के लिए जिद कर रहे हो, छोड़ो ये सब बातें और चलो हम लोग शतरंज की एक बाजी लगाते हैं। नहीं नहीं, मुझे साइकिल सीखनी है, इसके लिए तुम मुझे एक गुरुजी तलाश दो और मैं सीखूंगा। फिर तिवारी जी सोच में पड़ गए और बोले कि हाँ, एक गुरुजी तो है लेकिन फ्री में नहीं सिखाएंगे, कुछ पैसे लेंगे। तो कितने पैसे? तिवारी जी ने कहा कि 50 रुपए लेंगे 10 दिन का, लेकिन अब मैं हूँ तो इसीलिए 20 रुपए में ही सिखवा दूंगा मैं। ठीक है, कोई बात नहीं, 10 दिन का यानी 2 ही रुपए दिन का पड़ा, ठीक है, मैं मुझे मंजूर है, आप कल ही इसकी व्यवस्था करवा दो। तिवारी जी चले गए वहां से गुरु जी को खोजने, और लेखक आ गए पत्नी को खुशखबरी देने कि साइकिल सीखने के लिए गुरुजी का इंतजाम हो गया है। अब उन्होंने एक मैदान भी ढूंढ लिया जहां पर साइकिल सीखनी थी। पत्नी को खुशखबरी दे रहे थे, पत्नी ने कहा कि क्या आपको इस उम्र में भी ये कौन सी बीमारी लग गई है, आप मैं तो कहती हूँ आप साइकिल सीख ही नहीं सकते हो। तो फिर कहते हैं लेखक, क्या थोड़ा शुभ शुभ बोलो, साइकिल क्यों नहीं सीख सकता मैं। तो पत्नी कहती है, साइकिल क्यों, मैं तो समझती हूँ कि आप एरोप्लेन चलाना सीखो, पर आपके बस में नहीं है ना, आप डरते हो, इसीलिए मैंने कहा। नहीं नहीं, मुझे सीखनी है और सीख कर मुझे एक ट्रेनिंग, साइकिल चलाने की ट्रेनिंग की स्कूल खोलना है, जिससे कि मुझे 500-600 रुपए का इनकम भी हो जाएगा महीने का। और इसी खुशी में लेखक बहुत ही खुश थे कि मैं साइकिल सीखूंगा और एक ट्रेनिंग का स्कूल भी खोल दूंगा, जिससे कुछ पैसे भी आ जाएंगे, 20 रुपए के खर्च पे यदि 500 रुपए महीने आ जाता है तो बहुत अच्छा है। अब वो बहुत खुश हो रहे थे, तो पत्नी बोली कि चलो भाई ठीक है, सीखो आप, अच्छी बात है। उसके बाद अब बातचीत कर ही रहे थे, तब तक आ गए तिवारी जी गुरु जी को लेकर के कि, और आवाज लगाई, निकल कर बाहर गया, देखा कि गुरु जी आ गए हैं, शिष्ट बच्चे की तरह वहां जाकर खड़े हो गए, गुरु जी को नमस्ते किया और बोले कि चलिए अब हम लोग साइकिल सीखने के लिए निकलते हैं, मिस्त्री का साइकिल भी एक मैंने उधार ले लिया है। तो गुरुजी कहते हैं कि, तिवारी जी उसके तरफ से बोलते हैं कि नहीं, पैसे तो ये पहले ही लेंगे, एडवांस में लेंगे। अरे भाई मैं कहाँ भागूंगा, मैं तो दे ही दूंगा। नहीं नहीं, भागने की बात नहीं है, लेकिन ये पैसा एडवांस में ही लेते हैं। फिर पैसे भी एडवांस में मिल गया गुरु जी को। अब सुबह सुबह निकलने की बात हुई कि सुबह हम लोग चलेंगे मैदान में और सीखेंगे साइकिल। गुरुजी आ गए सुबह सुबह, साइकिल लेकर सब निकले, और निकलकर जैसे ही मैदान में पहुंचे तब तक गुरुजी कुछ चाय वाय पीने के लिए रुके। तो लेखक ने सोचा कि थोड़ा मैं साइकिल को टहला लूं। टहलाने के लिए जैसे उन्होंने पकड़ा तो लग रहा है कि साइकिल उसके सीने पे चढ़ रही है, छोड़ छाड़ कर भागने लगे। अब साइकिल छोड़ने से पहले स्टैंड तो लगाना पड़ेगा, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और साइकिल सीधा पैर पे गिर गया और पैर भी उसमें फंस गया। अब तो चिल्लाने लगे बहुत जोर से, अगल बगल के लोग आए, उन्हें उठाया, सहारा देकर उठाया। पहला दिन तो यूं ही खत्म। अब चोट लग गई थी तो अब तो मुश्किल था चलाना, फर्स्ट एड का डब्बा था ही साथ में, सभी लोगों ने वो भी डब्बा थमाया और फिर मरहम पट्टी भी हुई। उसके बाद उस पहला दिन खत्म, फिर से वे चिंतित हो गए कि पहला दिन का पैसा मेरा यूं ही बर्बाद हो गया। पहला दिन खत्म, अब दूसरे दिन की बारी थी। रात भर सपना देखते रहे कि मैं साइकिल पे चढ़ा हूँ, उड़ रहा हूँ, साइकिल मेरी आसमान में उड़ रहा है, सभी लोग मुझे ही देख रहे हैं। इन सब बातों में सुबह हुई, फिर
जगह और पैंट और शर्ट जो मरम्मत करवाया था वो पहनकर चल पड़े। जब निकले वहाँ पहुँचने ही वाले थे मैदान में कि गुरुजी की उस्ताद जी जो थे उसकी नज़र पड़ी उस आग पे। वो बड़े ध्यान से देख रहे थे, तब इन्होंने भी देखा, देखा पैंट और शर्ट दोनों उन्होंने उल्टा पहन रखा है। फिर वहाँ से भागे वापस बिना सीखे। दूसरा दिन भी ख़त्म हो गया, दूसरा दिन भी बर्बाद हो गया इसी चक्कर में। और अब फिर उस दिन भी नहीं सीख पाए। इस तरह साइकिल की ट्रेनिंग चलती रही। अब देखिए क्या कह रहे हैं, दूसरे साइकिल दोनों अपने घर की थोड़ी दूर पर जख्मी हो गए, साइकिल और सवार दोनों तक जख्मी हो गए। अब साइकिल को भी मिस्त्री के घर में भेजना पड़ा और सवार भी चोट खा करके वापस घर आ गए। मगर वीर हृदय का साहस और धीरज देखिए। अब कह रहे हैं लेखक कि मेरे वीर हृदय का साहस और हिम्मत देखिए कि वो फिर भी हार नहीं माना और साइकिल सीखने के लिए फिर से तैयार हो गया। हमारे आम की सीमा नहीं थी, सोचते थे मार लिया मैदान, दो चार दिन में पूरे मास्टर बन जाएंगे, इसके बाद प्रोफेसर और के बाद प्रिंसिपल, फिर ट्रेनिंग कॉलेज और फिर 300-400 रुपए की मासिक इनकम। तिवारी जी देखेंगे तो ईर्ष्या से जलेंगे। अब लगा कि मैं तो साइकिल सीख ही जाऊंगा, इसके बाद स्कूल खोल के उसका प्रिंसिपल बन जाऊंगा और 400-500 रुपए इनकम कमाऊंगा, तिवारी जी तो ईर्ष्या से ही जल जाएंगे। यही सब उधेड़बुन चल रहा था। अब उस दिन क्या किए उस्ताद जी कि आप साइकिल पर चढ़िए और आप सीख चुके हैं साइकिल और निकल पड़िए साइकिल लेकर के। अब हम साइकिल चला रहे हैं, दिल फूले न समाते हैं कि मगर हाल यह था कि कोई आदमी 100 गज की दूरी पे है तो वहीं से चिल्ला रहे हैं, भाई साइड हो जाओ, बाएं तरफ आ जाओ, बाएं तरफ आ जाओ, मैं साइकिल चला रहा हूँ। हमारे मन में भी जो दशा थी वो परमेश्वर ही जानता है। जब गाड़ी निकल जाती तब कहीं जाकर जान में जान आती, सामने से यदि गाड़ी आ गई तो जान निकल जाता था। इसी तरह साइकिल चलाते हुए जा रहे थे, सहसा सामने से तिवारी जी आ गए। हमने दूर से ही अल्टीमेटम दे दिया कि भाई सामने से हट जाना, मैं साइकिल से चला रहा हूँ। तो तिवारी जी कहते हैं क्यों, साइकिल रुकती नहीं है क्या? साइकिल रुकती भी है, साइकिल रोको। तिवारी जी ने अपनी छोटी छोटी आंखें देखा और मुस्कुरा कर कहा। हमने अब एक बार हैंडल की तरफ, दूसरी बार तिवारी जी की तरफ जवाब दिया, इस समय बात नहीं सुन सकता, साइकिल नहीं रुक सकती मेरी। हमने लड़खाती हुई साइकिल को संभालते हुए जवाब दिया, उतर उतर आए तो फिर चढ़ाएगा कौन, अभी चलाना सीखा है, चढ़ना नहीं सीखा है। तिवारी जी ने किसी तरह साइकिल रुकवाया।